हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज 24। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और कैसे रहे क्वार्टर वन के कंपनी के नतीजे, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी कंपनी की, तो हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में 0.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 1613 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। अगर आप कंपनी का चार्ट देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर तो आपको देखने को मिलेगा फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइसेस हैं हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके के पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइसेस हैं अपने हायर लो के आसपास और कहीं ना कहीं आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए भी जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहे हैं और यहाँ से हमें अच्छी खासी तेजी कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल सकती है जहाँ से वो अपने हायर हाई की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और रही बात कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजों की, जो कंपनी का क्वार्टर वन के नतीजे हैं वो एक्सीलेंट हैं, ब्लॉकबस्टर हैं। जी हाँ, अगर हम कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजे या देखेंगे, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर देख लो, अच्छे खासे नतीजे हमें देखने को मिले हैं। सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है और ईपीएस भी आप देखोगे 11.63 रुपये से सीधा 13.36 रुपये हो गया। अगर हम क्वार्टर वन की सेल देखें जून 2023 की, तो आप देखोगे 2771 करोड़ की सेल थी जो कि इस बार क्वार्टर में 3131 करोड़ की रही, यानी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो आप देखोगे क्वार्टर फोर में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 2797 करोड़ की, जो कि क्वार्टर वन में हमें 3131 करोड़ की देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% जो कि कंपनी का रहता है, 14-15%। नेट प्रॉफिट आप देखिए 199 करोड़ से बढ़कर सीधा 245 करोड़ हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 228 करोड़ से बढ़कर 245 रुपये हो गया। ईपीएस भी आप देखेंगे 11.63 रुपये से बढ़कर सीधा 13.36 रुपये हो गया और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो 12.40 रुपये से बढ़कर सीधा 13.36 रुपये हो गया। यानी जो कंपनी के नतीजे आए बेहतरीन आए, यानी हमें अच्छी खासी तेजी अब कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर जरूर रखिए, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी को। एक चीज़ और, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।